हाय, वेलकम टू फाटिक कंट्रोल वाल्व सिंबल्स इन ऑटोकैड पार्ट टू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैंड कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व और कंट्रोल वाल्व विद मैनुअल हैंडविल करना सिखाया था। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मोटर एक्चुएटेड वाल्व और एयर ऑपरेटेड वाल्व को किस तरह से ड्रा किया जाता है और इस टेबल को एडजस्ट करके जो प्रोफेशनल PNRD डायग्राम्स है उसमें इसको किस तरह से लगाते हैं आपको करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सिंबल्स ड्रा किए हैं, इन्हीं सिंबल्स को मैं मॉडिफाई करके यहाँ पर मोटर एक्चुएटेड वाल्व का सिंबल ड्रा करूँगा। मुझे लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनकी शेप्स को कॉपी करना होगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। जिन पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनको मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए मैं CP की कमांड को प्रेस करूँगा। फिर से मुझे बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बेस पॉइंट के बाद मैं इसको अपवर्ड मूव करवा दूँगा ऑर्थो मोड को ऑन करके। तो यहाँ पर मुझे फिट लग रहा है तो मैंने यहाँ पर इसको बस रख दिया। और उसके बाद मुझे और जो एयर मोटर ऑपरेटेड वाल्व है उसको भी लगाना है, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे एक अलग से कॉपी रख लेता हूँ और ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँगा F8 प्रेस करके। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा और इसके बाद मैं एस्केप प्रेस कर दूँगा। तो दोस्तों, पहले मैं ड्रा करूँगा मोटर एक्चुएटेड वाल्व। उसके लिए मुझे यहाँ पर सर्कल ड्रा करना है और उस पर M को टेक्स करना है। तो यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रा करूँगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सर्कल के लिए मैं C की कमांड प्रेस करूँगा, C एंटर, और यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना सर्कल को ड्रा करूँगा। यहाँ पे मुझे साइड फिट लग रहा है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगा, अपने माउस को क्लिक कर दूँगा और इसके बाद अपने इस सर्कल को अपवर्ड मूव करवा दूँगा। यहाँ तो मैं यहाँ पर मूव कमांड यूज़ करूँगा, मूव के लिए M एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट चूज़ करके मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। और उसी तरह से मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो रेक्टेंगल के लिए RECE कमांड प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट और ये वाला एंडिंग पॉइंट, ताकि वो एक सीक्वेंस में चीज़ ड्रा हो जाए। उसके बाद मुझे मूव करना है इस रेक्टेंगल को और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आना है। तो मैं मूव को, मैंने कमांड अप्लाई कर दी है, अब मैं एंटर को प्रेस करूँगा और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करवा दूँगा उसके लाइन के मिड पॉइंट को अपनी बेस पॉइंट के साथ। तो ये मैंने करवा दी है, अब मैं इसी बेस पॉइंट के साथ मूव करवा के इसको यहाँ पे इसके लास्ट पॉइंट पे ले आऊँगा। अगेन से मूव कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और फिर यहाँ पे और इसको मूव करवा के यहाँ पर मैं ले आऊँगा इसको। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये ड्रा कर दिया है। टेक्स्ट के लिए दोस्तों सिंपल, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है और उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि मुझे एंगल कौन सा चाहिए, तो मुझे सिफर पर चाहिए और उसके बाद मैं सिंपल एंटर प्रेस कर दूँगा तो टाइप की ऑप्शन देगा। यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा और उसके बाद राइट क्लिक करके एस्केप को प्रेस कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ड्रा हो गया है लेटर। अब मुझे इसको मूव करवा के सर्कल के अंदर लेके आना है, तो M से मूव करवा के ऑब्जेक्ट को प्रेस करूंगा और उसके बाद अपना एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं अंदर ले आऊँगा इसके। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे पास ड्रा हो चुका है M। उसी तरह से मुझे जो दूसरा है यहाँ पर एयर मोटर ऑपरेटेड वाल्व में A टाइप करना है, तो सेम तरह से मैं यहाँ पर A टाइप करूँगा, सिंपल टेक्स्ट और उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करूँगा। एरिया इतने में मुझे चाहिए, ये मेरा एरिया, और उसके बाद एंगल रोटेशन जो है वो 0 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मुझे टाइप का ऑप्शन दे रहा है, मैंने A प्रेस कर दिया है। राइट क्लिक करके एस्केप को प्रेस कर देना है। अब मैं मूव करवा के इसको नीचे ले आऊँगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सेट किया, मूव करवाया बेस पॉइंट सेट करके और यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एयर ऑपरेटेड और मोटर ऑपरेटेड वाल्व का सिंबल ड्रा हो चुका है। अब दोस्तों, मुझे इसको ब्लॉक कमांड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे इसको टेबल में लगाना है और टेक्स्ट भी ऐड करना है। दोस्तों, ब्लॉक के लिए मुझे यहाँ पर सिंपल B एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइप करना है नेम जिसको मुझे ब्लॉक करना है। हैंड व्हील वाल्व को मैं कर देता हूँ पहले, हैंड व्हील वाल्व टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर मुझे क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पूरे को और उसके बाद अगेन से एंटर। और फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पॉपअप जो विंडो हुई है उसमें ये ब्लैक कलर का शो कर रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो वाल्व है वो सिलेक्ट होगा। उसी तरह से मुझे यहाँ पर जितने सिंबल्स हैं उनको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जो सेकेंड है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, आप उसको भी कर सकते हैं सिंपल ब्लॉक और यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मुझे सेट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट है और एंटर कर देना है और फिर से ओके कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं जिस भी पॉइंट को क्लिक करूँगा वो पूरा का पूरा वाल्व को हाईलाइट कर रहा है। सेम आप इसको भी कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने सबको ब्लॉक कमांड में कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सबके सब पूरे वैल्व की सिलेक्शन हो रही है। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर लेकर जाता हूँ अपने कर्सर को। दोस्तों मुझे सबके साइज़ को रिड्यूस करके यहाँ पे टेबल में फिट करना है, तो मैं पहले पूरे वैल्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एस ई की कमांड यानी स्केल कमांड का यूज़ करके मैं विद रेफरेंस यूज़ करके इसको मैं साइज़ को डिक्रीज़ करूँगा। तो दोस्तों मुझे इसको रिड्यूस कर लेना है। जितना मैं अगर एक को प्रेस रिड्यूस करूँगा तो सारे ही रिड्यूस हो रहे हैं साइज इसके, तो इतने साइज मुझे ठीक लग रहे हैं अपने टेबल के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको जो है प्लेस कर दूँगा मूव कमांड के थ्रू यहाँ पे टेबल के अंदर। दोस्तों अब मैं मूव कमांड के थ्रू इसको टेबल में बारी बारी यहाँ पे फिट कर दूँगा। तो मूव कमांड मैंने प्रेस की और उसके बाद ये पहला सिंबल सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको ले आया। उसी तरह से सब चीज़ों को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। रोटेटेड वाल्व वाला उसको भी मैं ले आया। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल जो है उसकी एडजस्टमेंट मुझे करनी है। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए मुझे यहाँ पर टेबल का पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद बट जो 7 वाली जो रो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रो को रिमूव कर दूँगा, डिलीट रो। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रो जो है वो रिमूव हो गई है, लेकिन जो इसकी पोजिशन है उसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। लाइक ये जो ये पॉइंट है उसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वाली लाइन को इंक्रीज़ कर दिया है और इसी तरह से मुझे जो ये है इसकी लेंथ को भी इंक्रीज़ करना है। तो ये यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर प्रेस करके मुझे इतना फिट लग रहा है, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब मुझे दोबारा से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। मूव कमांड से मूव एंटर किया और यहाँ पर मुझे पहला वाल्व और ये सेकंड वाला वाल्व मैंने एडजस्ट कर दिया और ये थर्ड वाला वाल्व एडजस्ट कर दिया और सेम एज लास्ट वाल्व को पहले मैं कर लेता हूँ और उसी तरह से ये वाला वाल्व भी मैंने एडजस्ट कर लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाला वाल्व जो पोजीशन में है इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा। दोस्तों देखिए अब मैंने इसको ब्लॉक कमांड बना लिया है। अब मुझे इसको यहाँ से जो इसकी जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा कट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर बी ई यानी कि ब्लॉक एडिट में जाऊँगा और एंटर करूँगा। तो मेरे पास जो है वो पूछ रहा है ये कौन सा वाला वाल्व है जिसको आपने एडिट करना है। तो ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व था, तो यहाँ पर मैं मोटर ऑपरेटेड वाल्व को सिलेक्ट करूँगा। मोटर ऑपरेटेड वाल्व तो ये आ गया है और उसको मैं ओके कर दूँगा। तो मेरे पास एक और विंडो ओपन होगी जहाँ से मैं इन चीज़ों को एडिट करूँगा, तो वहाँ पर भी एडिट हो जाएगा। मुझे ये लाइन थोड़ी सी छोटी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको मैंने छोटा कर लिया और इस पूरे पॉइंट को मुझे करवाना है मूव और मूव करके यहाँ पर ये पॉइंट और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुझे इस जो ब्लॉक है उसको क्लोज करना है ब्लॉक एडिटर को, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास ऑप्शन दे रहा है क्लोज ब्लॉक एडिटर। अब यहाँ पर जो मैंने चेंजेस की हैं वो मेरी जो लास्ट टेबल है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि जो आपने चेंजेस किए हैं क्या आपने उसको सेव करना है, तो जी हाँ मुझे सेव करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं मूव कमांड प्रेस की मैंने और उसके साइज़ को यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं तमाम के सिम्बल्स एक टेबल में। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अब करना है टेक्स्ट को ऐड। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा टेक्स्ट टी ई एक्स टी और उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना सा और उसके बाद मैं एंगल जो है वो ज़ीरो सेलेक्ट कर रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ और मेरे पास टाइप की ऑप्शन दे रहा है। तो सिंपल हैंड कंट्रोल वॉल, ये मैं स्केल कमांड से इसको साइज़ इसका रिड्यूस कर लूँगा, स्केल कमांड। और ये मेरा बेस पॉइंट और ये मेरा विद रेफरेंस और अगेन से ये मेरा बेस पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट और ये मैंने इसका साइज़ यहाँ पे इतना रिड्यूस कर लिया और ये आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इसका मूव कमांड से यहाँ पे कर दूँगा ऐड एंड कंट्रोल वॉल। उसी तरह से यहाँ पर मैं नीचे कॉपी करके इन चीज़ों का भी यहाँ पे टाइप कर दूँगा। जस्ट क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए प्रेशर रेगुलेटर वॉल। अब उसी तरह से अगर इसका साइज़ बड़ा है तो आप राइट क्लिक करके एस्केप
और उसके बाद इसको करेंगे आप मूव। तो दोस्तों आपने इसको मूव कर लिया और उसके बाद इसका साइज आप डिक्रीज कर सकते हैं स्केल कमांड विद रेफरेंस यूज करके। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंट्रोल बार के सिंबल को ड्रा करना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप और फीड बैकवर्ड कंट्रोल लूप को यहाँ पे ऑटोकैड में ड्रा करना सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और देखते रहें फॉरवर्ड।